ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम आज का राशिफल 18 जनवरी गुरुवार पौष शुक्ल अष्टमी तिथि चंद्रमा बल आ गया। अब फल अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा तो भी ज्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो भी अच्छा मिलेगा। डिप्रेशन में जाओगे तो कस के जाओगे, आनंद में रहोगे तो कस के रहोगे। अब तक क्षीण चंद्रमा था, सब फल अच्छे होंगे। आज का थोड़ा सा पहले स्थिति देख लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि का नक्षत्र रहेगा। अगला दिन 2:58 एम तक अगला भरणी चलेगा, करण बिष्ट। सूर्योदय 6:35 AM, सूर्यास्त 5:33 PM। ऋतु शिशिर चंद्र राशि मेष। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080 और कली संवत 5125। अभिजीत 11:42 से 12:26 PM तक। राहु काल 1:24 से लेके 2:48 PM तक। दिशाशूल दक्षिण, मेरे बड़े अनुभव हैं, दिशाशूल में जाना बड़ा परेशानी का कारण बनता है, सावधान से जाए। राशिबल मेष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक कुंभ में रहेगा। नक्षत्र बल अश्विनी भरणी कृतिका मृगशिरा पुनर्वसु अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी। हस्ता चित्रा विशाखा ज्येष्ठा पूर्व आषाढ़ा उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद रेवती, इनमें बल रहेगा। और आज का जो लग्न और होरा चलेगा, इसमें गुरुवार का दिन है और आज जो मकर 8:09 मध्य मकर का लग्न चालू होगा और इस मकर लग्न में 8:25 तक बृहस्पति और मंगल का होरा रहने वाला रहेगा। सो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उग्र ऊर्जा दिखाई दे रहा है। कुंभ लग्न में सूर्य और शुक्र का होरा रहेगा, यहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन होगा दिन, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मीन लग्न 11:21 तक और 11:21 तक बुध शुक्र का होरा रहने, शुक्र और बुध का होरा रहने वाला है, यहां भी एनर्जी डाउन हो जाएगा। यानी इस समय कोई बहुत ज्यादा सुइटेबल काम आप देखना, कहीं थकावट सा महसूस होगा या डिप्रेशन सा महसूस होगा। जब दोनों एनर्जी एक दूसरे में फ्रिक्शन करते हैं तो बॉडी में उतना ज्यादा ऊर्जा नहीं रहता है या आपको एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद मीन मेष लग्न 1:01 तक और मेष लग्न के समय 1:31 तक के समय में होरा मिल रहा है शनि और बृहस्पति का, यानी 12:59 से 1:53 मेष लग्न बृहस्पति का होरा आज का दिन का टॉप टाइम जोन रहने वाला है, जहां पर आप कोई काम कर सकते हो। वृष लग्न में मंगल और सूर्य का, मिथुन में शुक्र और बुध का, 3:45 3 से लेके 5 तक, ये 2 सुइटेबल एंड मैचेबल टाइम रहने वाले हैं आज के दिन में, जहां आपको कुछ सुइटेबल कार्य कर सकते हैं। तो टाइम लग्न होरा निकाल दिया। आज का पुष्कर दोष अद्य मृत व्यक्ति 3:57 गते एक पाद पुष्कर दोष लगेगा। गोत्र वंश संतान संतति विनाश तिल सुवर्ण दान होम आदि करना चाहिए। पहला रजस चक्र आज लक्ष्मी युक्ता लड़की बनेगी, अगर आज पहला रज दर्शन कर रही है। रात्रि 3:57 गते गंड दोष स्त्री विधवा फलम
दरिद्र घृतकांश पात्र सुवर्ण तिल शुक्ल शुक्ल वर्ण तिल तंडुल दानम, ये इसका रेमेडी है। मेष लग्न फुल पावर फुल एनर्जी टॉप गुड बेस्ट गो गो 70% का एनर्जी ले। वृष का द्वादश नॉट गुड, खर्चा टेंशन तनाव। मिथुन लाभ चंद्रमा, लेकिन फिर भी समझ रहे ना सप्तम में मंगल शुक्र बुध, संभवतः झगड़ा झंझट झमेला हो सकता है लाभ में होने के बावजूद। अति उग्र ऊर्जा कर्क दशम चंद्रमा गुरु के साथ, आज का दिन टॉप है लेकिन ढैया पुल कर देगा। सिंह आपके लिए नवम चंद्रमा 37% ऊर्जा, बहुत ज्यादा सफलता नहीं दिख रहा है लेकिन भाग्य उदय होने वाला है। द्रव्य प्राप्ति मिष्टान्न भोजन संभावना है, मन आनंद रहे। कन्या अष्टम चंद्रमा, तो कार्मिक बाधा मानसिक तनाव टेंशन रहेगा थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए अष्टम का चंद्रमा के लिए। तुला वालों के लिए सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती आनंद नया आइडिया पिकनिक धन प्राप्ति योग लाभ मुनाफा। ये वृश्चिक के लिए छठा चंद्रमा बहुत बढ़िया है, सॉलिड है, गुष्ट है, गुड है, आरोग्य है, सफलता है, 80-90% का एनर्जी है, फ्री फ्लो रहेगा लेकिन क्या करें ढैया चल रहा है, पुल एनर्जी रहेगा, अगर साथ लिए हो तो पार हो जाओगे, सफलता मिल जाएगा। धनु पंचम चंद्रमा विवेकहीनता, लेकिन गुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा बेस्ट है, ज्ञान बढ़ेगा, नया कुछ नॉलेज मिलेगा, धन प्राप्ति योग भी है, ज्ञानोदयी समस्या है समाधान है। मकरू चतुर्थ चंद्रमा फियर फोबिया कॉन्फिडेंस में कमी तनाव दे सकता है, खर्चा हो सकता है लेकिन फिर भी अच्छा है। अब तक शनि साढ़े साथी जनित समस्याओं से निजात पा चुके हो तो समझना कि आज ठीक है, वरना तनाव टेंशन बिन मतलब का बैठे रहोगे, एक काम करने के लिए जाओ दूसरा काम बनेगा, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगा, मन में नेगेटिव थॉट फीवर आ सकता है, कुछ का कुछ नहीं आएगा मस्त से चलेगा। मटका वालों के लिए बात करें थर्ड चंद्रमा टॉप गुड सॉलिड बेस्ट सफलता और बम बम 80। मीन के लिए द्वितीय चंद्रमा परिवार धनवाणी परिवार के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु संभाल लेंगे। साढ़े साथी का समस्या तो कंटिन्यू रहेगा ही, जिनका जिनका इस समय पिक टेंशन चल रहा है उनके लिए थोड़ा समस्या बढ़ते हुए दिख रहा है, और जिनका कोई समस्या नहीं ठीक ठाक चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मीन राशि वालों का जो मानसिक हाल रहेगा मैं समझ रहा हूं, कई लोग फंस गए होंगे, कई लोग ब्लैकमेल में पड़े होंगे, कोई लोग कुछ और ऐसे इलीगल में पड़े होंगे, रात का नींद हराम होता होगा, युति ही ऐसा है। चलिए आगे चलते हैं। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु जन्म तारा 70% गुड सॉलिड बेस्ट भरणी मेष और उत्तरा फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु आपके लिए संपद और अतिमित्र जोन पे है बढ़िया है। कृतिका मेष वृष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर थोड़ा सा विपद भी है और रिजल्ट जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बाधक मित्र तारा पे है मस्त है। रोहिणी वृष सस्ता कन्या सवर्णा मकरू आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा में भी है और जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारे में भी है, सावधान रहना। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला घनिष्ठा मकरू कुंभ तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी भी है और आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा में भी आ रहे हैं, 50-50 जा रहा है। आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा में भी आ रहा है और जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा में भी आ रहा है, मिक्स एनर्जी आ रहा है।
पुष्य का अनुरूप पुनर्वसु मिथुन का विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा में आ रहा है। बढ़िया है आपसे एनर्जी जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारित साधक बद्ध तारा में आ रहा है। सावधान रहे एनवायरमेंटल सपोर्ट कम मिलेगा। पुष्य कर्क अनुराधा वृश्चिक उदर भाद्रपद मीन आपके लिए जन्म संपद विपद तारा में भी आ रहा है और आपका आपका एनवायरमेंटल एनर्जी जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारित साधक बद्धक मित्र तारा में आ रहा है, एनवायरमेंट सपोर्ट करेगा। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठ वृश्चिक रेवती मीन संपत्ति तारा में आ रहा है और मित्र तारा में आ रहा है, मस्त है, गुड है, सॉलिड है। समय को पहचाने, समय के अनुसार काम करें, समय को जाया होने मत दें। राशिफल, लग्नफल, होराफल, एनर्जी को समझेंगे और उसी हिसाब में अगर रेमेडी कर देते हैं, सुबह सुबह थोड़ा सा जाप, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, थोड़ा सा हवन, तो फिर ये बाधाएं रहेंगे नहीं और आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी समस्याएं रहते हैं जहां आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो उस टाइम को थोड़ा सा इंतजार करना, उसको पार हो जाने देना। लग्न खुल गया, देखना काम खुल जाता है, तो फिर दुखी होने का जरूरत नहीं कि मेरा काम रुक गया है, बन जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।